अच्छे साइंस पसंद है? यस मैम। बहुत? यस मैम। वेरी गुड, पढ़ना चाहिए साइंस, है ना? चलिए हम आपको आज साइंस पढ़ाएंगे और हम आपकी साइंस टीचर है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम सहिता कुमारी सिंह है और मेरा मेथड पेपर है वो फिजिकल साइंस है और मैं महिला कॉलेज बीए सेमेस्टर थर्ड की स्टूडेंट हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? जिसको आपको आंसर आएगा तो आप हाथ उठाओगे, ठीक? जोर से नहीं बोलना है, हाथ उठा के बोलना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक अंधेरे रूम में रख दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आपको अंधेरे रूम में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बताओगे? जैसे कि हम इस रूम का लाइट ऑफ कर दिए, अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। इस रूम में जो भी सामान रखा हो उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? टॉर्च, बल्ब, दीपक। बहुत अच्छे है, वेरी गुड। तो जैसा आपने बोला टॉर्च जलाएंगे तो हम टॉर्च जलाते हैं, ठीक है? टॉर्च जलाया हमने, इस टॉर्च से क्या निकला? प्रकाश। प्रकाश, तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ओके? अब ये बताइए कि प्रकाश का उपयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं? अपनी आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए। बहुत अच्छे। प्रकाश का हम लोग उत्सर्जित करने के लिए, मतलब प्रकाश पाने के लिए हम लोग किस किस चीजों का यूज करते हैं, जलाते हैं? टॉर्च, बल्ब, दीपक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। अब ये बताइए कि प्रकृति में हम लोग को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है। अदृश्य अदृश्य ऊर्जा है जिसका उपयोग अपने आसपास रखी चीजों को देखने के लिए करते हैं, ठीक है? तभी रूम अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे हम लोगों ने टॉर्च जलाया, हम लोग को दिखा कि रूम में कौन कौन सा चीज रखा हुआ है, ठीक है? तो इसका उपयोग क्या है? एक ऊर्जा है जिसका उपयोग अपने आसपास रखी चीजों को देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है? प्रकाश का पता चल गया, प्रकाश होता क्या, प्रकाश आता कहाँ से, ठीक है? जिस जगह से प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत, उसको बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला है प्राकृतिक स्रोत दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, ठीक है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत का मतलब वैसा स्रोत जहां से प्रकाश निकलता है, तो वो स्रोत पहले से प्रकृति में मौजूद है, ठीक है? जैसे कि सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, इसको हम लोग इंसान ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति में पहले से है और वहां से क्या हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है? दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित का मतलब होता है वैसा स्रोत जो मनुष्य बनाता है, ठीक है? अपने से नहीं होता प्रकृति में, उसको मनुष्य बनाते हैं। जैसे कि ये टॉर्च हुआ, ठीक है, ये कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, तब जाके इसमें प्रकाश निकलता है। उसी तरह से ये मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती भी कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? मानव निर्मित स्रोत के एग्जाम्पल है, ठीक है? अब बताइए प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब पढ़ेंगे प्रकाश का गमन। जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, जैसे कि हम इसको जलाएं, ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ कैसे पहुंचता है?
टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से या सीधा रास्ता से, ठीक है। तो प्रकाश जब भी स्रोत से यहाँ पे आता है, ठीक है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक, ऐसे ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाता है, सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक स्ट्रेट एक एक्टिविटी के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये एक सेटअप है, एक मॉडल है, ठीक है, एक मॉडल है, इसमें दो गतक युद्ध में होल बना हुआ है, ठीक है। हम इसे पता करेंगे कि प्रकाश सीधा गति सीधी रेखा में जाती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉर्च रखें और देखिए जहाँ पे मैंने रेड कलर का बनाया है स्क्रीन, वहां पे लाइट का गमन हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से पार हो रही इस होल से, फिर वहां से वहां पहुंच रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये सीधी रेखा में गमन करती है लाइट। हमको यहाँ पे उसका इमेज दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़िए, अब हम ये बीच वाला को हटा के ये वाला रख देंगे, ठीक। ये देखिए इसका होल यहाँ पे और इसका होल नीचे में है, ठीक है। जब हम यहाँ पे टॉर्च रखते हैं तो इसका लाइट इस जगह पे बनता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कोई होल नहीं है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से पास वहां पे नहीं हो रहा है, इसलिए हमको स्क्रीन पे लाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं करती है। बस तो हम लोगों ने जाना कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं करती। तो इस गुण को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर सीधी गति रेखा, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत जाना हम लोगों ने, प्रकाश का गमन किस कैसे होता है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब ये बताइए कि प्रकाश का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब ये बताइए कि प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। बहुत अच्छा, प्राकृतिक स्रोत के कुछ उदाहरण दीजिए। सूरज, जुगनू, और अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब मानव निर्मित के कुछ उदाहरण दीजिए। टॉर्च, बल्ब, दीपक, लालटेन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये बताइए कि प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है। सूरज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोग कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग घर से करके आओगे, ठीक है। अगर सूर्य प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा तो क्या होगा, विचार करें, ठीक है। आप लोग ये सारे गृह कार्य करके आओगे घर से, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।